नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम डोसे के साथ चटनी बनाना सीखेंगे। और डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कटोरी चावल, उड़द दाल, और उड़द दाल हम बिना छिलके वाली लेने वाले हैं। और यहाँ पे 3 कटोरी चावल मैंने टूटे हुए चावल लिए हुए हैं। अब हमें इसे एक बर्तन में डाल लेना है। धोने के लिए मैंने 2 अलग बर्तनों का यूज किया है, एक में चावल और एक में दाल। चावल को अच्छी तरह से धो लेना है, इसी तरह दाल को भी अच्छी तरह से धो लेना है। इसे 8 से 12 घंटे के लिए भिगा के रखेंगे। ये चावल अच्छे से भीग गया है, अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। इसे हम एक बार में या 2 बार में भी पीस सकते हैं। अगर आपके ज्यादा चावल है तो आप 2 बार में पीस लीजिए। दाल को भी पीस लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे रात भर के लिए रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये कितना अच्छा फूल गया है। अब मैं इसे हिला के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा से फूला है। अब हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही अच्छे से हिलाना है। बहुत अच्छे से हिलाएंगे तो इस तरह का पेस्ट बनेगा। अब हम चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए मैंने 1 नारियल छोटा छोटा कट करके लिया है, मूंगफली ली है, जीरा, राई, नमक, मिर्ची, नींबू और कड़ी पत्ता लिया है। अब इसे पीसना है। इसमें मैं अब सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ पीसने के लिए। इसे अच्छी तरह से पतला पीसना है। अगर जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डालें। देखिए दोस्तों, ऐसा बना है, इतना पतला चाहिए। अब हम इसे तड़का देंगे। तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें मैं राई डालूंगी। राई अच्छी तरह से फूट जाए तो उसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें नारियल का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने पैन पर तेल लगा लिया है। 1 चम्मच डोसा का बैटर पैन पर डाल के इसे कटोरी की मदद से फैलाएंगे। एकदम हल्के हाथों से फैलाना है। और इसे ढक के हाई फ्लेम पे रखना है। अब हमारा डोसा बन गया है। इसे हम एक स्पैचुला की मदद से निकाल लेंगे। देखिए हमारा कुरकुरा डोसा तैयार हो गया है। अब हम इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही लजीज रेसिपी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।